गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टूडेंट्स। आज मैं आपको व्याकरण में संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, संज्ञा क्या होता है कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाग के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। जैसे आपका नाम धीरज, किसी प्राणी का नाम गाय, बकरी, किसी जगह का नाम जयपुर, जोधपुर, या हमारे मन में कोई भाव आ रहा है जैसे गुस्सा, क्रोध, ये सब क्या होते हैं? भाव। तो इनके नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, देखो फिर से देखते हैं प्रश्न। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, प्राणी में कौन कौन आते हैं ये देखते हैं। मोहन, हाथी, मनुष्य। मोहन क्या हो गया? किसी व्यक्ति का नाम। हाथी क्या हो गया? एक जानवर हो गया। मनुष्य, मनुष्य मतलब हम में से कोई भी, है ना? जैसे इंसान, इंसान में से कोई भी लोग, कोई भी, वो भी क्या आते हैं? प्राणी में आते हैं। स्त्री, घोड़ा आदि, ये क्या है? प्राणी। अगला देखिए, वस्तु। वस्तु में क्या आता है? कलम, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दवात आदि। तो ये तो हो गए प्राणी और वस्तु। अब देखते हैं स्थान। जयपुर, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर आदि, ये क्या हो गए? स्थान। भाव क्या? मिठास, गर्मी, दया, क्रोध, बचपन आदि। तो हमें क्या बताया गया है कि संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव, इनके नाम। और ये सब क्या है? इनके नाम। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के भाव को, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? तीन। कौन कौन से? पहला तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या भाव का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश क्या हो गया? व्यक्ति। राधा व्यक्ति। उदयपुर स्थान। हिमालय स्थान। वस्तु जलेबी, है ना? ताजमहल, ये भी क्या हो गया? स्थान। तो देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो सिर्फ हमें विशेष तौर पर व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है। जैसे देखो यहाँ पर राकेश, राधा, ये व्यक्ति हो गए। उदयपुर, हिमालय, ताजमहल, ये स्थान हो गए। जलेबी वस्तु हो गई। ताजमहल को भी हम एक तरीके की वस्तु ही बोल सकते हैं या स्थान भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमें सिर्फ विशेष रूप से व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध करा रहा है। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पर्वत, नदी, पुस्तक, फल, पक्षु, मिठाई आदि। अब देखिए, लड़का में कोई भी हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है ना, किसी भी लड़के का नाम हो सकता है। पर्वत, किसी भी पर्वत का नाम हो सकता है। नदी, गंगा नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, कोई सी भी नदी का नाम हो सकता है ना। जो नदी है इसकी जाति, जितनी भी जाति हो वो सब आ सकते हैं, उसके सबके नाम आ सकते हैं ना। पुस्तक, कैसी भी पुस्तक हो सकती है। फल, पक्षु, मिठाई, इनके क्या है, ये कैसे भी हो सकते हैं। लेकिन ये देखो, फल, ये क्या हो गई? जाति हो गई। अब देखो फल में कौन कौन आएगा? अंगूर, सेब, अनार, ये सब क्या इसकी फल की ही जाति है, है ना? जैसे लड़का, रमेश, सुरेश, महेश,
ये क्या, ये सब लड़के में आते हैं, है ना, पर्वत, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, लेकिन ये सब हैं क्या, पर्वत ही। तो देखो जातिवाचक संज्ञा हमें क्या कराता है कि किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध कराता है, है ना। अब देखिए भाववाचक संज्ञा, पहला तो था व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, अब हम भाववाचक संज्ञा भी पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा क्या होता है कि जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं कि किसी भी प्राणी या पदार्थ के हमें क्या, भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है। जैसे वीरता एक क्या हो गया, गुण हो गया, किसी व्यक्ति के वीर होना उसका गुण है, है ना। बचपन ये भी क्या है, भाव हो गया, हमारे बचपने का भाव है ना। मिठास गुण हो गया। खुशी स्वभाव, खुशी ये भी क्या हो गया, गुण, ये गुण भी बोल सकते हैं हम या स्वभाव भी बोल सकते हैं। क्रोध प्रेम ये क्या है, स्वभाव हो गए। तो भाववाचक संज्ञा हमें किसी भी पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध कराता है। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने समझा कि संज्ञा क्या होती है। आप भी इसे अच्छे से समझिए और इसका दोबारा से दोहरान करिए। धन्यवाद।